हम फोन और इंटरनेट में इतना घुल गए थे कि परिवार के साथ बैठना और छोटी छोटी बातों में खुश रहना सिखा दिया तुमने। दौड़ धाम भरी जिंदगी जो थी हमारी, हम सिर्फ भागना जानते थे। लेकिन सिर्फ भागने से हर कुछ नहीं मिलता, कभी कभार जीने के लिए ठहरना भी पड़ता है, समझा दिया तुमने। ये धरा मेरी प्रदूषण से जूझ रही थी, कहीं लोगों को सांस लेने के लिए हवा में दिक्कत थी, कहीं बादल आते थे मगर बरसते नहीं थे, जमीन से उनकी दोस्ती टूट रही थी। इंसानियत खुदगर्ज हो गई थी, खुद के लिए झूठ बोल रही थी। कुदरत से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में, और पता नहीं क्यों इंसानियत इसे ही तोल मोल रही थी। काट डाले हमने वो लाखों पेड़ जिनके कारण हमारी सांसें चल रही थी। बेघर कर दिया हमने उन लाखों चिड़ियों को जो सिर्फ कुछ घंटे अपने छोटे से आशियानों में चैन की नींद ढूंढ रही थी। नदियों को मैली कर करके हमने पानी को एक नया रंग दे डाला। उस गंगा की डुबकी को पवित्र कह कह के हमने खुदा को भी दंग कर डाला। धुएं से भरे आसमान की चिंता नहीं थी, मुंह पे मास्क पहन के हम निकल जाते थे। प्रदूषण हटाओ, पृथ्वी बचाओ, सिर्फ हमने नारे ही लिखे और रैलियों में जुड़ जाते थे। समंदर को भी कहाँ छोड़ा हमने, उसकी भी अभी आनी बारी थी। फेंक दिए सारे कचरे उसमें, अब तो मछलियों के भी मरने की तैयारी थी। उस सारे पंछियों को कैद कर हम उन्हें जू में देखने जाते हैं। शायद खुदा को उनकी भान लग गई, इसलिए आजकल हम बंद हैं घर में और वो खुशी से गुनगुनाते हैं। ये कर्म है, कभी जानवर को हम कैद कर रहे थे क्योंकि हम खुद को जानवर नहीं मानते। मगर कुदरत के लिए सब एक हैं, छोटी से छोटी चींटी से लेकर हम इंसानों तक। वो लिख रही है हर हिसाबों को, कारखानों के धुएं से लेकर नाशवान हथियारों तक। कोरोना तो अब जाके आया है, इसे महामारी मत कहो। महामारी तो तभी आ गई थी जब हमने अपनी इंसानियत खो दी थी। देशवासियों, मेरे घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है।